कुमार सिंह, सहायक शिक्षक मकतपुर उच्च विद्यालय गिरिडीह, पुनः इतिहास विषय के अध्याय एक, जिसका शीर्षक है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। प्यारे बच्चों, मैंने पहले वीडियो क्लास में आपको 5 प्रश्न दिए थे, आपने अवश्य ही उसे सॉल्व किया होगा। आप अपनी कॉपी पेन सामने रखेंगे और मैं उसका जो उत्तर बता रहा हूँ उससे आप मिलान करेंगे। सबसे पहला प्रश्न था, निरंकुशवाद क्या है? तो इसका उत्तर है, ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है उसे निरंकुश सरकार या निरंकुशवाद कहा जाता है। इस प्रकार की सरकारें दमन और सैन्य बल पर आधारित होती हैं। दूसरा प्रश्न था, कल्पनादर्श या यूटोपिया क्या है? तो इसका उत्तर है, एक ऐसे समाज की कल्पना करना जो इतना आदर्श हो कि जिसका साकार हो पाना लगभग असंभव हो। तीसरा प्रश्न था, नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? इसका उत्तर है, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट था। चौथा प्रश्न था, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों में फ्रांसीसी लोगों में सामूहिकता को पैदा करने के लिए, सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए क्या क्या उपाय किए? तो मैंने बताया था आपको कि कई प्रकार के उन लोगों ने कदम उठाए थे फ्रांस के क्रांतिकारियों ने, जैसे पितृभूमि और नागरिक के विचारों का प्रचार प्रसार, सबों को समान कानूनी अधिकार मिले, समानता का अधिकार मिले, माप तौर की समान व्यवस्था की गई, आयात निर्यात शुल्क जो है उसे समाप्त किए गए, सीमा शुल्क समाप्त किए गए, एक झंडा पूरे फ्रांस का तिरंगा झंडा को चुना गया, एक भाषा फ्रेंच भाषा पूरे फ्रांस में लागू की गई। इन उपायों को कर फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने फ्रांसीसी लोगों के बीच सामाजिक एकता या सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए हमारा 5वां प्रश्न था, अपने शासन वाले क्षेत्रों में नेपोलियन ने क्या क्या बदलाव, यानी नेपोलियन के सुधार। तो नेपोलियन के सुधार इस प्रकार है, उन्होंने सबसे पहले 1804 में एक कानून का निर्माण किया जिसे नेपोलियन संहिता या नागरिक संहिता कहा जाता है। उन्होंने जन पर आधारित विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया, सेना के क्षेत्र में सुधार किया, आयात निर्यात नीति में सुधार किया, यातायात और संचार व्यवस्था में सुधार किया, पूरे फ्रांस में जो किसान थे उनको बहुत आसक्त से मुक्ति मिली, सामंतवाद की जो प्रथा थी उसको समाप्त की गई, उद्योग धंधों में विकास किया गया। इन सभी उपायों को कर नेपोलियन ने पूरे फ्रांस और अपने विजित अन्य यूरोपीय राज्यों पर इन सुधारों को लागू किया। अब हम लोग अध्याय एक के भाग दो पार्ट टू में हम लोग देखेंगे, जैसा कि पहले आपको बताया गया था कि फ्रांसीसी नागरिकों ने क्या क्या कदम उठाए, नेपोलियन ने क्या क्या सुधार किए, उदारवाद क्या है, रूढ़िवादी विचारधारा क्या है। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं वियना संधि। वियना संधि
जो 1815 ईस्वी में हुआ था। प्यारे बच्चों, आपको बताया जा चुका है कि नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का एक बहुत ही वीर और साहसी और निरंकुश शासक। नेपोलियन बोनापार्ट को ऑस्ट्रिया, प्रसा, रूस, ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर उन्हें 1815 में वाटरलू के मैदान में पराजित किया और इस प्रकार नेपोलियन के शासन का फ्रांस में अंत हुआ। फिर 1815 में यूरोपीय राज्यों से संबंधित समझौता करने के लिए ये सभी देश वियना में मिले। वियना यानी ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, वियना में मिले। उस समय वियना का चांसलर ड्यूक मेटरनिक था। ड्यूक मेटरनिक इस वियना संधि का उद्देश्य था कि नेपोलियन ने अपने विजित राज्य जिन जिन परिवर्तनों को किया था, अपने युद्धों के दौरान जो जो परिवर्तन लाए थे, उन सबों को समाप्त करना इस वियना संधि या वियना कांग्रेस का उद्देश्य था। परिणामतः फ्रांस में पुनः बोर्बों राजवंश की सत्ता बहाल हुई। आपको याद होगा कक्षा 9 में लुई 16वां बोर्बो राजवंश का एक राजा था। उसी राजवंश की सत्ता फिर से फ्रांस में बहाल हुई और नेपोलियन ने जितने यूरोपीय क्षेत्रों पर कब्जा किए थे वे सभी स्वतंत्र हो गए। फिर फ्रांस की जिस सीमाओं पर जितने राज्य थे उन्हें शक्ति प्रदान की गई और राज्यों उनके जो सीमा पर थे वहां पर कई छोटे छोटे राज्यों का स्थापना किया गया। क्यों? क्योंकि फ्रांस पुनः अपनी शक्ति या अपना साम्राज्य का विस्तार न कर सके। अगर सीमा पर सभी देश और राजा संगठित रूप से रहेंगे, उनकी सीमा पर नए नए राज्य बन जाएंगे, तो वो सीमा का विस्तार नहीं कर पाएगा। इस सोच से यूरोपीय देशों ने फ्रांस की सीमा पर अनेक राज्यों का गठन कर दिया। अब हम लोग इसके बाद के टॉपिक को देखते हैं तो फ्रांस की या यूरोप की क्या स्थिति है। क्रांतिकारी गुप्त संगठनों का उभरना। क्रांतिकारी गुप्त संगठन यानी क्रांतिकारियों द्वारा गुप्त संगठनों का उभरना। जब फ्रांस में वियना संधि हुई यूरोप में, तो वहां पर रूढ़िवादी विचारधारा के शासक स्थापित हुए। मैंने चर्चा किया है पिछले वीडियो क्लास में, रूढ़िवादी विचारधारा यानी वैसा सोच, वैसा दर्शन जो स्थापित मान्यताओं, परंपराओं, रीति रिवाजों पर अधिक जोर देता है। वह समाज में क्रमिक रूप से परिवर्तन चाहता है, लेकिन वह धीरे 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 चाहता है। उसे रूढ़िवादी विचारधारा कहते हैं। तो इस विचारधारा के शासक 1815 के बाद अधिक से अधिक स्थापित होने लगे। अब जब चूंकि रूढ़िवादियों का शासन हो गया, तो जो उदारवादी थे, राष्ट्रवादी थे, वे सभी छुप छुप कर भागने लगे और छुप कर उन्होंने अपना गुप्त संगठन बनाना शुरू कर दिया। वे खाली नहीं बैठे, वे उनके दमन के भय से छुप गए और गुप्त संगठन बनाना शुरू कर दिया। इस गुप्त संगठन को बनाने के पीछे उनका उद्देश्य था कि नए नए क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देना, क्रांतिकारी विचारधाराओं का प्रशिक्षण देना। अपने जो विचार हैं यानी उदारवादी विचार हैं उनका प्रचार प्रसार करना, उन राजतंत्रों का विरोध करना जो वियना कांग्रेस
वियना संधि के बाद स्थापित हुई थी, यानी रूढ़िवादी जो विचारधारा के शासक स्थापित हुए थे उन सभी राजतंत्रों का विरोध करना, ये सभी क्रांतिकारी गुप्त संगठनों का प्रमुख उद्देश्य बन गया था। इस क्रांतिकारी संगठन को बनाने में एक महत्वपूर्ण शख्स की भूमिका है जिसका नाम ज्यूसेप्पे मैक्सिनी था। ज्यूसेप्पे मैक्सिनी का जन्म 1807 में जेनेवा में हुआ था, जेनेवा इटली में। यह कार्बोनरी के गुप्त संगठन का एक सदस्य था। इन्होंने दो भूमिगत संगठन बनाए, एक मार्सेई में यंग इटली और बर्न में यंग यूरोप, ये सभी इटली के क्षेत्र हैं। ज्यूसेप्पे मैक्सिनी चाहता था कि जो पूरा इटली बिखरा हुआ है, कई राज्यों को विभक्त है, उन सबों को जोड़कर उसका एकीकरण करना चाहता था, यानी एकीकृत इटली का निर्माण करना चाहता था। इसके इस सोच को, इस उद्देश्य को देखकर फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, पोलैंड में गुप्त संगठन बनाए गए, यानी यंग इटली और यंग यूरोप एक मॉडल बना और इसकी नकल अन्य देश करने लगे। इसके बाद हम यूरोप के एक महत्वपूर्ण, जिसकी बार बार चर्चा हो रही है, फ्रांस। फ्रांस जिसकी राजधानी पेरिस, फ्रांस में कुछ क्रांतियां हुई, क्रांतियों का दौर चला। राष्ट्रवाद के प्रचार प्रसार में राष्ट्रवाद के विचारों का आदान प्रदान में कई क्रांतियां हुई, कई प्रकार के उपाय किए गए, कई घटनाएं घटी यूरोप में। तब जाकर कहीं यूरोप के सभी राज्य एकीकृत हुए और वे सभी राष्ट्रवाद की भावना से परिचित हुए। तो 18 क्रांतियों का युद्ध, यानी ये काल 1830 से 1848, इस काल में यूरोप की स्थिति का हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अभी हमने देखा 1815 के बाद पूरे यूरोप में रूढ़िवादी लोग अपना शक्ति बढ़ाने लगे थे। ऐसे समय उदारवादी और राष्ट्रवादी स्वयं को क्रांति से जोड़ने लगे, यानी कहने का मतलब है कि अगर आप उदारवादी हैं, अगर आप राष्ट्रवादी हैं, तो आपको क्रांति करना होगा, क्रांति में विश्वास रखना होगा, क्रांति का सोचना, तभी आप उस विचारधारा के हो सकते हैं। ये उस इस समय तक आते आते ये विचारधाराएं क्रांति से जुड़े, और परिणाम ये हुआ कि पहला विद्रोह 1830 में फ्रांस में था, जिसे चूंकि यह विद्रोह जुलाई माह में हुआ था, इसलिए से जुलाई क्रांति भी कही है। हम लोग कहानी के रूप में इसको देखेंगे कि यह विद्रोह आखिर हुआ कैसे, क्या क्या घटनाएं हैं। तो बच्चों देखिए, पहला विद्रोह जुलाई 1830, पूर्वो राजवंश का राजा चार्ल्स दसम वहां का राजा था, जो राजा के दावी सिद्धांत में विश्वास रखता था। कहने का तात्पर्य कि वो जो बोला वो देव का आदेश है, उसमें देवत्व है, उसका आदेश ईश्वरीय आदेश है। इसका दूसरे अर्थ में अगर हमें कहा जाए तो वह एक निरंकुश शासक था। फ्रांस में यह पहले वाली व्यवस्था को, पुरातन व्यवस्था को लागू करना चाहता था, और राजा जैसे ही यह फ्रांस का बना, इसने उदारवादियों का दमन करना शुरू कर दिया, क्योंकि इसके विरोधी विपक्ष में उदारवादी लोग ही थे, उनका दमन करना शुरू कर दिया। और कुछ कुछ ऐसे कानून, अध्यादेश,
चार्ल्स डसन ने पास किए जो जनता के हित में नहीं था। परिणाम यह हुआ कि उदारवादी राष्ट्रवादी सभी जो है इस राजा के विरुद्ध भड़क उठे और गिरह युद्ध शुरू हो गया। 3 दिन तक गिरह युद्ध चलता रहा। स्थिति यह थी कि इस राजा के निरंकुशता को देखते हुए फ्रांस की सेना ने भी राष्ट्रवादियों का साथ दिया, उदारवादियों का साथ दिया और चार्ल्स दसम पराजित हुआ और वहां से वो भागकर इंग्लैंड चला गया। इस प्रकार निरंकुशता का एक बार पुनः फ्रांस में अंत हुआ और गणराज्य की स्थापना हुई और लुई फिलिप को वहां का शासक बनाया गया। इस बीच हम लोग अगला बिंदु जो है वह यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। यूरोप का एक महत्वपूर्ण देश यूनान, हम यूं कहें तो यूनान में ही सभ्यता संस्कृति का उदय हुआ था। यूनान की सभ्यता संस्कृति विश्व की सबसे उन्नत सभ्यता संस्कृति मानी जाती थी। उस पर 15वीं सदी से ही, ध्यान से सुनेंगे बच्चों, यूनान में 15वीं सदी से ही ऑटोमन साम्राज्य का आधिपत्य था, यानी वहां पर ऑटोमन साम्राज्य का कब्जा था। वहां के लोग भी ऑटोमन साम्राज्य से मुक्ति चाहते थे। जब फ्रांस में विद्रोह हुए तो इसका असर यूरोप या अन्य देशों पर पड़ा, वहां के लोगों में इच्छा जागृत हुई राष्ट्रवाद उत्पन्न हुआ और लोगों में स्वतंत्रता का भूख जगा। तो यूनान के लोगों में भी वो चीज हुआ। 1821 ईस्वी में यूनान में वहां के लोगों ने आंदोलन करना शुरू कर दिया और यूनान के जो लोग यूनान के बाहर अन्य राज्यों में भी बसे हुए थे और उसके साथ ही अन्य राज्यों के लोग सबों ने वहां की जनता को आंदोलन में समर्थन दिया। स्थिति यह हुई कि 1832 ईस्वी में कुस्तुंतुनिया की संधि हुई और इस संधि के द्वारा यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। यह यूनान की राष्ट्रवाद और उसके स्वतंत्रता की एक संक्षिप्त कहानी है। इस राष्ट्रवाद के उदय और प्रचार प्रसार में एक अन्य बिंदु भी था, एक और पहलू भी था जिसकी बहुत बड़ी भूमिका थी राष्ट्रवाद के प्रचार में, जिसको अब हम लोग देखेंगे। रुमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना। रुमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना। रुमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना, यानी यूरोप में उस समय कुछ वैसे कवि हुए, लेखक हुए, संगीतज्ञ हुए जिन्होंने अपने काव्य से, अपनी कला से, अपनी लेखनी से, अपनी कहानियों से, अपने किस्सों से वहां पर राष्ट्रीय भावनाओं को जगाने में और पहले से जो राष्ट्र ये सभी विधाएं चली आ रही थी उनको संजोग रखने में, जो काव्य कला जिस क्षेत्र में था उसको संजोग रखने में और नया नया काव्य कला को प्रचार प्रसारित करने में काफी भूमिका निभाई और इन्होंने राष्ट्रवाद के प्रचार प्रसार में बहुत बड़ा रोल अदा किया। रुमानीवाद एक शब्द है यहाँ पर, रुमानीवाद क्या है? तो उस समय यूरोप में तर्क और विज्ञान की महिमा का आलोचना होता है, यानी कहने का मतलब है कि व्यक्ति को विज्ञान और तर्क की कसौटियों से कसकर उनके विचारों का प्रचार प्रसार नहीं होता था, भावनाओं पर विशेष जोर दिया गया था, यानी कैसा आपका देश से जुड़ा है, आप क्या सोच रखते हैं, आप क्या विचार रखते हैं, आपके समूह के प्रति, आपके राष्ट्र के प्रति, आपके देश के प्रति आपकी क्या भावना है, इसको विशेष महत्व दिया जाता था। साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति और साझा सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार बनाया जाता था। कहने का तात्पर्य है
कि उस समय यह माना जाता था कि हम सभी का एक विरासत है, हम सभी का एक अतीत है, हम लोगों की एक संस्कृति है, हम लोगों का जो पहले से चला रहा है, हम लोग एक सांस्कृतिक अवस्था में हम लोगों का है। यानी उस देश की अलग संस्कृति, उस देश की अलग संस्कृति ऐसी नहीं है, हम सभी का एक भूतकाल है, हम लोग का एक अतीत है जो काफी गौरवमयी है। इस प्रकार का प्रचार प्रसार किया गया। इसमें एक नाम आता है योहान गॉटफ्रीड, योहान गॉटफ्रीड, यह एक जर्मन दार्शनिक था, यानी जर्मनी का दार्शनिक था। इसने लोकगीत और लोक साहित्य का संकलन किया। कहने का मतलब कि योहान गॉटफ्रीड ने जर्मनी में वहां पर लोकगीत और लोक संगीत, लोक साहित्य का संकलन किया। वैसे लोग जो पढ़े लिखे नहीं थे, दूर दराज थे, जिन तक हर राष्ट्रवादी उदारवादी लोग नहीं पहुंच पाते थे, वैसे लोगों तक भी इन लोकगीतों के माध्यम से, लोक साहित्य के माध्यम से राष्ट्रवाद की भावना को जगाया गया। यानी इन सभी गीतों, कहानियों, किस्सों, साहित्यों ने यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रचार प्रसार में बहुत बड़ी भूमिका अदा की। यूरोप की वर्तमान स्थिति पर अगला बिंदु है हम लोगों का भूख, कठिनाइयां और जन विद्रोह। भूख, कठिनाइयां और जन विद्रोह, आपकी सुविधा के लिए हमने यहां पर भी लिख दिया है, ताकि ये नहीं अगर स्पष्ट हो तो यहां से पॉइंट या बिंदु देखा जा सके। तो अब हम लोग चर्चा करते हैं उस समय यूरोप में ऐसी क्या स्थिति थी। पहले 1830 का युद्ध हुआ, फिर धीरे धीरे वहां पर शासन आया ब्रीफ फिलिप का। अब क्या स्थिति बन रहा है वहां पे, इस पर हम लोग देखेंगे कि 1830 का दशक, बच्चों 1830 का दशक कहने का मतलब 1830 से 40 के बीच यूरोप में कठिनाइयों का दौर, कठिनाइयों का दौर। 19वीं सदी का पहला आधा यानी 1800 से 1850 तक ये लगभग यूरोप में जनसंख्या में काफी वृद्धि हुई। और जब जनसंख्या बढ़ेगा तो क्या होगा, रोजगार में कमी आएगा। तो वही हुआ, यूरोप में जनसंख्या बढ़ा, रोजगार में कमी आया, यानी बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई, काफी संख्या में लोग बेरोजगार होने। और जब आबादी बढ़ी तो भोजन की कीमत में वृद्धि हुई, यानी और एक मामूली गरीब आदमी हर वस्तु को अपने भोग के लिए नहीं खरीद सकता। प्राकृतिक उस प्रकोप भी हुए, फसल खराब हो गए, होने लगे। तो ऐसी स्थिति में कीमतों में वृद्धि आई, लोगों में भुखमरी, बेरोजगारी की स्थिति आई। और ऐसे ही समय में इंग्लैंड से जो आयात किया जाता था सूती कपड़ा, उस वह जो है वह स्थानीय वस्त्र उद्योग जो थे उसको काफी नुकसान पहुंचाया। हम इसको इस रूप में देख सकते हैं, जैसे कि हमारे यूरोप में अगर लघु उद्योग है, छोटे छोटे लोग भी अगर कपड़े बनने का काम करते हैं, वैसी स्थिति में जब इंग्लैंड से जो कपड़ा आ रहा है फैक्ट्री और मशीन का बना हुआ, वो अगर इसकी तुलना में कम दाम में वो उपलब्ध है तो स्वाभाविक है कि लोग उसे खरीदेंगे। और ऐसी स्थिति में क्या होगी कि यहाँ के जो कपड़ा बनाने वाले लोग हैं उनका रोजी रोटी छिनेगा। तो वही चीज हुआ यूरोप में, जब इंग्लैंड से कपड़ा आयात होने लगा तो यहाँ के वस्त्र उद्योगों को भारी नुकसान पहुंचा। एक उदाहरण भी यहां पर है, 1845 में सिलेसिया में बुनकरों ने ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। यानी जो ठेकेदार थे, जो इन लोगों से, बुनकरों से कपड़ा लेने का काम करते थे, वे मनमाना दर पर कपड़े उठाने का काम करने लगे। यानी जैसे फिर अगर पहले साल में 200 रुपये में जो चीज लिया वो इस साल 50 रुपये में लिया, तो ऐसी स्थिति में सिलेसिया के लोगों ने
वहां पर ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। अब हम लोग इस घटनाक्रम को आगे देखते हुए अगला बिंदु पर चलते हैं, जो 1848 की क्रांति के बारे में। फ्रांस में दो क्रांति हुई, 1830 और 1848। 1848 की क्रांति हम लोग अभी चर्चा किए हैं कि 1830 की क्रांति के बाद लुई फिलिप का शासन स्थापित हुआ। स्थिति ऐसी थी, समय वो था कि वहां पर कल कारखानों यानी औद्योगिकीकरण हुआ, यानी औद्योगिक क्रांति जैसी स्थिति बनी और कल कारखाने बढ़ने लगे। समाज में ऐसी स्थिति में दो वर्ग उत्पन्न हुए, एक पूंजीपति वर्ग एक मजदूर वर्ग। जब औद्योगिक क्रांति हुई, बड़े बड़े कल कारखाने लगे, ऐसी स्थिति में दो वर्ग का वर्ग, एक पूंजीपति वर्ग एक मजदूर वर्ग। पूंजीपति अमीर होते गए और मजदूर गरीब होते गए, यानी समाजवाद का सिद्धांत यहां पर हुआ कि अमीर अमीर होते गए, गरीब गरीब या उससे भी और गरीब होता गया। राजा ने जब देखा कि मजदूर और किसान वर्ग काफी असंतोष अवस्था में है, वैसे समय में भी उन्होंने उनका साथ न देकर पूंजीपति वर्ग को अपने साथ में लिया, यानी उनको अपने साथ में रखा। पेरिस में लोग जमा हुए, राजा ने यानी लुई फिलिप ने क्या किया कि वहां के लोगों को दमन करने के लिए, यानी उनका उनके आंदोलन को रोकने के लिए भाषण पर, प्रेस पर और समाचार पर प्रतिबंध लगा दिया। क्योंकि ये सभी अभिव्यक्ति के माध्यम है, लोगों की क्या विचार है, वे क्या कहना चाहते हैं लोगों से, सरकार से, इनका ये माध्यम होता है और इस पर ही राजा ने रोक लगा दिया। और उस समय क्रांतिकारी लोग जो थे उन लोगों ने एक सुधार भोज का आयोजन किया, तो उसको भी देखते हुए वहां के राजा ने भोज पर, जुलूस पर, प्रीति भोज आदि पर रोक लगा दिया। इससे क्या हुआ, वहां के लोगों में असंतोष पैदा हो गए, वे आक्रोशित हो गए राजा के विरुद्ध में और इस क्रांति में लोग जो है वो जमा होने लगे और पेरिस में लोग जमा हुए। अभी मैंने बताया कि फ्रांस की राजधानी पेरिस, और पेरिस में लोग जमा होने लगे और युद्ध शुरू हो गया। फिर वही पहले वाली स्थिति आई, फिर से वहां की सेना ने जनता का साथ दिया और परिणाम यह हुआ कि पुनः फ्रांस का राजा वहां से छोड़कर इंग्लैंड का और इस क्रांति ने पुरातन व्यवस्था का अंत किया और नए प्रकार के राष्ट्रवाद का फ्रांस में उदय हुआ। अब 21 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को वयस्क मताधिकार दिया गया, काम के अधिकार की गारंटी दी गई। तो ऐसा देखा जा रहा है कि फ्रांस कि कोई भी घटना का प्रभाव यूरोप के अन्य देशों पर भी काफी तीव्र गति से होता था। दूसरे अर्थ में कि यूरोप महादेश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट फ्रांस था। जैसा कि मैटरनिक ने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को भी सर्दी जुकाम हो जाता है। कहने का मतलब है कि अगर फ्रांस में कोई घटना घटी, कोई हलचल हुआ, कोई प्रकार का हिंसा हुआ, क्रांति हुई, तो उसका असर यूरोप के बाकी देशों पर भी हो जाता है। फ्रांस की क्रांति का व्यापक असर पूरे यूरोप पर पड़ा था, इसको हम लोगों ने देखा।
अब हम लोग आगे देखेंगे कि किस प्रकार से जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण, ब्रिटेन का एकीकरण हुआ और आगे के अरे बच्चों, अभी तक हम लोगों ने जो देखा, जिस पर चर्चा हुई, हम लोगों के मैट्रिक परीक्षा में मैप वर्क भी होता है। हम लोग पाठ के शेष भाग की चर्चा अगले वीडियो क्लास में करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग मानचित्र कार्य पर एक नजर डालेंगे। जिन जिन स्थानों की चर्चा की गई उसको हम लोग विश्व के मानचित्र में इंगित करेंगे कि वो जगह, वो राज्य, वो देश किस स्थान पर अवस्थित है। आपको दिखाई दे रहा होगा ये विश्व का मैप मानचित्र है। बोर्ड परीक्षा में इतिहास में दो अंक के प्रश्न होते हैं जिसमें एक विश्व का मानचित्र दिया होता है और उसमें से दो मुख्य भागों को दिखाना होता है। हम लोगों ने अभी यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय को देखा। यूरोप में राष्ट्रवाद यानी यूरोप महादेश, जो कि आप देख रहे होंगे EUROPE, यहां पर रेड कलर से यूरोप लिखा हुआ है। ये जो एरिया है यही क्षेत्र यूरोप महादेश है। पहले हम लोग पढ़े तौर पर देख रहे हैं, ये हुआ ऑस्ट्रेलिया महादेश, ये AFRICA, ये अफ्रीका, ये नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये ग्रीनलैंड, ये येलो कलर का जो दिखाई दे रहा है बहुत बड़ा भाग, ये रशिया यानी रूस, हमारा देश भारत जो एशिया महादेश में है, यहाँ पर ASIA आप देख रहे होंगे, ASIA ये क्षेत्र एशियाई क्षेत्र जिसमें हमारा देश ये येलो कलर में इस जगह पर अवस्थित है। यहाँ पर INDIA इंडिया, ये येलो कलर का हमारे भारत देश का मानचित्र है। हम लोगों ने जो यूरोप में राष्ट्रवाद के सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की अभी तक, उसमें से कुछ नाम आए, जैसे सबसे महत्वपूर्ण फ्रांस, जिस जो यूरोप का केंद्र बिंदु था वो यहां पर है, यहां FRANCE, ये येलो कलर का ऐसा शेप में ये फ्रांस है। ये वाला भाग जिसको मैं कलर किया, ये वाला भाग फ्रांस है। इसके ठीक नीचे ये जो लटका हुआ है दिखाई दे रहा है पिंक कलर का, ये स्पेन है, यानी स्पेन तब फ्रांस, उसके बाद ये ब्राउन कलर का जो है वो है जर्मनी। स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, जर्मनी के बाद ये पर्पल कलर का जो है वो है पोलैंड। फिर से रिवीजन करते हैं, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, ये चार बॉर्डर पर दिख रहे हैं। फ्रांस से ठीक नीचे इस हिस्सा में यहां ये लटकता हुआ एक दिखता है बैंगनी कलर का, ये कलर किया हुआ यहां नीचे लटकता हुआ जो अफ्रीका की ओर झुला हुआ है, ये क्षेत्र हो गया इटली, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी पढ़ा, जुसेप्पे मैसिनी इटली का एक क्रांतिकारी था, यही इटली का था। और यही फ्रांस जिसकी राजधानी पेरिस, जहां पर 1830 की क्रांति हुई, 1848 की क्रांति हुई, लुई सोलावा जहां का शासक था 1789 की क्रांति के समय, हम लोगों ने जो पढ़ा यही महत्वपूर्ण देश था, जिसके बारे में मैटरनिक कहा करता था कि जब फ्रांस को सर्दी जुकाम हो जाता है तो बाकी यूरोप को भी
प्रभावित करता है, बाकी यूरोप को भी खांसी हो जाती है। तो यानी फ्रांस प्रभावित होता है तो बाकी क्षेत्र भी प्रभावित हो जाते हैं। इसी फ्रांस का एक महान सम्राट शासक की चर्चा हम लोगों ने किया, नेपोलियन बोनापार्ट, जो 1804 में फ्रांस का राजा बना था और 1815 में इसका अंत हुआ। जर्मनी, यहाँ पर ध्यान देंगे हम लोग, इस मानचित्र का एक छोटा सा हिस्सा दिखाई दे रहा है, हालांकि उसने बहुत से क्षेत्रों पर विजिट किया, हमारे देश को भी लगभग 200 वर्षों तक अपनी गुलामी में रखा। इंग्लैंड, जिसको ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड भी कहा जाता है, अगर हम लोगों के परीक्षा में आए ग्रेट ब्रिटेन, कभी आ जाए इंग्लैंड, तो ये सभी एक ही हैं। वैसे भारत, इंडिया, हिंदुस्तान हमारा देश है, उसी प्रकार से ग्रेट ब्रिटेन और इंग्लैंड, लंदन, सभी यही क्षेत्र है। यहाँ पर हो गया ये लंदन, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ग्रीन कलर का घर पर आप एक इस तरह का मानचित्र जो छोटे रूप में बाजार में उपलब्ध है उसको आप रखेंगे और इन क्षेत्रों को आप बारी बारी से गहन अध्ययन करेंगे कि कौन सा राज्य कौन से जगह पर अवस्थित है, तभी आप इसको परीक्षा में कर पाएंगे। तो ये हो गया इंग्लैंड। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर नीचे इटली, इटली से ठीक ऊपर यहाँ पर है जर्मनी, पोलैंड, हंगरी, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया यहाँ पर, ये ऑस्ट्रिया जिसका चांसलर ड्यूक मैटरनिक जिसकी चर्चा हुई, ये इस जगह पर है, इटली से ठीक ऊपर ऑस्ट्रिया। और भी महत्वपूर्ण भागों की चर्चा हम लोग अगले वीडियो क्लास में करेंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छे तरह से इन सभी बातों का गहन अध्ययन किया, सुना, और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपने घर पर ठीक तरह से तैयारी करते होंगे ऐसी परिस्थिति में। तो यहाँ तक हमारा भाग दो जो हुआ, इसके बाद भी भाग तीन चलेगा जिसमें इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज का आपका होमवर्क है जिसको आप नोट करेंगे कॉपी कलम से, पहला प्रश्न, वियना संधि कब हुई तथा इसके क्या उद्देश्य थे। 1815 हम लोगों ने बताया, चर्चा किया उद्देश्य इसके, नेपोलियाई युद्धों के दौरान हुए क्षेत्रों को जो परिवर्तन हुए थे उनको समाप्त करना, यंग इटली और यंग यूरोप क्या था, एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन जिसकी स्थापना जुसेप्पे मैत्सिनी ने की, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम पर टिप्पणी लिखे, वही जो 1832 में आजाद हुआ ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था उसको आप टिप्पणी लिखेंगे, ड्यूक मैटरनिक कौन था, ड्यूक मैटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर जिन्होंने वियना संधि की मेजबानी की। अभी हमने विश्व के मानचित्र पर जो जिन स्थानों को दिखाया उसमें से कुछ आपको अपने एक सादे मानचित्र में दर्शाना है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, इंग्लैंड, ये चार महत्वपूर्ण देशों को आपको अपने मानचित्र में दर्शाना है। कोई भी तरह का अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछेंगे। मैं पुनः अगली कक्षा में, अगले वीडियो क्लास में पार्ट 3 के लिए हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।